तो भाई साहब स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी। कुछ समय पहले मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी जिस वजह से मेरी आवाज़ जो है वो निकल नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रहा था। जैसा कि मैंने सभी लोगों से कहा था कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं वीडियो डालूंगा हैकिंग से रिलेटेड और हैकिंग के ऊपर में हम बात करेंगे, लेकिन मैं नहीं डाल पाया तो उसके लिए मैं सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। एक महीने बाद मैं अब वीडियो डाल रहा हूँ और इस एक महीने के दौरान बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है इस चैनल पर। हम 1000 क्रॉस तो कर ही चुके हैं सबसे पहले, तो उसके लिए बधाई हो। वाह। दूसरी चीज़, हमारी जो कम्युनिटी है वो 7000 से ज़्यादा हो चुकी है और जितने भी नए लोग हैं मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ यहाँ पर। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता इतना मुझे प्यार मिल रहा है। तो कुछ समय पहले मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक पोल ऑर्गेनाइज किया था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि अब जो इतने टाइम बाद जो वीडियो अब डालने वाला हूँ मैं वो किस टॉपिक पर आपको चाहिए, क्योंकि अब जनता ज़्यादा हो गई है तो अब जनता से भी पूछना ज़रूरी होता है। तो मैंने दो ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन ये था कि जो हमारी सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी वीडियो, जो जार्विस वाली वीडियो थी, उस वीडियो का दूसरा पार्ट, या फिर हैकिंग, जो कि था ही सही कि 1000 के बाद हमें हैकिंग के ऊपर बात करनी ही है, तो या तो वो या फिर जार्विस वाली वीडियो। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अलग अलग रिजल्ट्स आए और मैं कंफ्यूज हो गया कि अब मुझे बनाना क्या है। तो यूट्यूब की जनता को प्राथमिकता देते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि आज हम हैकिंग के ऊपर बात करेंगे और जो पहली वीडियो है वो हैकिंग के ऊपर होनी चाहिए। अपनी तरफ से भी कुछ बेसिक जो मसाला है हैकिंग से रिलेटेड वो मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर, और क्या। तो भाई साहब शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि इस वीडियो को चैप्टर फर्स्ट वाले इंसान ने भी देखना है जिसको नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत है वो स्टार्टिंग पीरियड में, और उसे अगर मैं डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा तो कई सारी गलतियाँ कर देगा। दूसरा, मैं ये भी सोचता हूँ कि इसे चैप्टर 20 वाला इंसान भी देखेगा जो कि एकदम एक्सपर्ट है, हर चीज़ में उसने नॉलेज ले रखा है। ये दोनों का मिश्रण करके ही मैं वीडियो बनाता हूँ। डिटेल में नॉलेज देना पड़ता है। जैसे जार्विस वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने 18 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि यार इतनी लंबी वीडियो क्यों है, जबकि मैं ये सोच रहा था कि 18 मिनट के बाद भी जिस तरह की कमेंट्स आ रही है उसमें भी लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि यार वो चीज़ कैसे करें, वो तो बताया ही नहीं आपने, ऐसा क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए वीडियो को थोड़ी सी लंबी रखना जरूरी है, डिटेल में सारी चीज़ें बताना जरूरी है, और मेरा काम यही है कि अगर मेरे पास नॉलेज है तो मुझे बताना जरूरी है, मैं कोई छाती पे बांध के लेके नहीं जाने वाला। अब इस वीडियो के अंदर मैं हैकिंग और थोड़ा सा टेक्निकल बातें करने वाला हूँ, तो अगर मैंने इसके अंदर भारी वर्ड्स यूज़ कर दिए या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दूंगा तो काफ़ी बोझ आ जाएगा और ये वीडियो सार्थक नहीं बन पाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर जो जनता है वो बिगिनर लेवल की है। तो इसलिए मैं जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज में ही आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कमेंट सेक्शन में आगे मुझे बोलो कि तुझे कुछ नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि ज़्यादातर मुझे कमेंट सेक्शन में मिलती है और इंस्टाग्राम पर भी DMs में मिलती है, और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि बच्चे ही होते हैं, लाइक 18 से भी कम की एज के होते हैं। सीखते कैसे हैं, कहाँ से सीखते हैं और कैसे सीखते हैं, हैकिंग क्या है, हमें सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हैं कि मुझे किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या मुझे किसी का इंस्टाग्राम या किसी की पबजी ID हैक करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी का फ़ोन, लाइक अभी जस्ट आया था कि मुझे किसी का फ़ोन डायरेक्ट अगर हैक करना है बिना किसी को पता चले, मतलब वो फ़ोन मेरे हाथ में भी नहीं आए और मैं उसको डायरेक्ट हैक कर लूँ, या जो कुछ भी इस तरह की जो डायरेक्ट चीज़ें होती है ना वो ज़्यादातर मुझे कमेंट सेक्शन और मैसेजेस में मिलती है। तो मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूँ कि भाई साहब जो भी आप लोग जिस भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके बैठे हो कि डायरेक्ट एक क्लिक में, या मैं कुछ ऐसा जादुई मंत्र आपको बोल दूँ आबरा का डाबरा और आपने कहा आबरा का डाबरा और दैट्स इट, एक बार में एक क्लिक पे या एक बटन दबा के जो भी करके अगर आप सोच रहे हो कि हैकिंग ऐसे हो जाती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे हैकिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, एक चीज़ अपने दिमाग में फिक्स कर लो, कभी भी डायरेक्ट एक क्लिक में या कुछ बटन दबा के कीबोर्ड पे कुछ कमांड्स टाइप करके या कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करके या कुछ भी इस तरह की चीज़ें करके डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फेसबुक की बात करें, किसी की फेसबुक आईडी हैक करनी है आपको, ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट करने की सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट जाऊं, मेरे पास जस्ट उसकी फेसबुक की आईडी है और मैं जस्ट जाके वो डाल दूं कहीं पर और वो मुझे पासवर्ड निकाल के दे दे या ऐसा कुछ कर दूं, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है।
फेसबुक एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है और वो बिलियंस तो खर्च करती ही होगी अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। तो अगर इतने पैसे वो खर्च कर रही है सिक्योरिटी के ऊपर, ये सच में सोचने वाली बात है। आप कोई भी आता है तो डायरेक्ट यही बोलता है, भाई ब्रेकअप हो गया है, बंदी की आईडी हैक करनी है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है उसकी आईडी हैक करनी, मुझे देखना है कि वो किससे बात कर रही है, या ये हो गया है, वो हो गया, फलाना ढिमका। कुछ नहीं होता भाई, डायरेक्ट किसी भी तरीके से कहीं से भी गल लो नहीं होगा, आपको 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे। कई सारे लोग मूवीज और वेब सीरीज देख देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं खतरनाक तरीके से, क्योंकि मैंने भी कुछ इंडियन वेब सीरीज देखी थी जिसके अंदर कुछ तो भी बकवास चल रही है यार, कुछ तो भी, मतलब वो बंदा जस्ट जाता है, 2-4 कमांड्स टाइप करता है और बूम हैक्ड हो जाती चीज़ें, और कुछ भी हैक कर रहा है वो बैठ के। मतलब मैं आपको सच में बताऊं, अगर आप इंडियन वेब सीरीज या इंडियन मूवीज़ देख रहे हो या बाहर की कोई भी मूवीज़ देख रहे हो जिसके अंदर हैकिंग से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है और वो बंदा जस्ट 2-4 कमांड टाइप करके या कीबोर्ड पर बस उंगलियाँ फेर के चीज़ें खतरनाक तरीके से हैक कर रहा है, तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब रियलिटी और मूवीज़ में जमीन आसमान का भी फर्क छोड़ दो, मतलब फर्क कंपैरिजन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1% का भी कुछ भी नहीं है कि कंपेयर कर सकते हैं कि यार मूवीज में ऐसा हुआ, रियलिटी में ऐसा हुआ, लाओ ये तो दोनों सेम सेम है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे फलाने दोस्त की हैक हुई थी आईडी या हमारी खुद की फेसबुक आईडी हैक हुई है, तो भाई साहब जब भी कोई चीज़ हैक होती है ना तो उसके पीछे का प्रिंसिपल समझो आप। जब भी कोई चीज़ हैक होती है तो जो यूज़र है जिसकी आईडी हैक हुई है उसी की गलती की वजह से हैक होती है। किसी अनजान व्यक्ति ने उसको कोई लिंक फॉरवर्ड कर दिए, उसने उस पर क्लिक कर दी, उसने सारी डिटेल डाल दी, फिशिंग पेजेस वगैरह, और बूम वो हैक हो गई। तो उसने डायरेक्ट हैक नहीं करी है, ठीक है, ये दूसरे अल्टरनेटिव से जिनकी मदद से उसने हैक करी है, या किसी ने, कई बार तो ऐसे केसेस भी आते हैं मेरे पास जिसमें सामने वाला बोलता है कि यार मैं पबजी खेलता हूँ और मेरा एक फ्रेंड बना था ऑनलाइन पबजी पे, हम दोनों साथ में खेलते थे, उसने किसी दिन मेरे से आईडी मांगी, 2-4 दिन उसने भी यूज़ करी, उसने वापस मुझे दे दी, देन एक दिन और एक बार मांगी और जब मैंने उसे आईडी पासवर्ड दिए तो उसने खेल कर दिया। अब वो आईडी हैक हो चुकी है, उसने ईमेल भी चेंज कर दिया और फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया, अब हम क्या करें, आप हमारी आईडी हैक करके वापस ला के दो, ये करो वो करो, यार इस तरह के मतलब बेवकूफ़ाना हरकतें जो भी आप लोग कर रहे हो इसी वजह से आईडीज हैक होती है, ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ा सा दिमाग से बाहर निकाल दो कि आप जैसे कि कोई भी अगर आप एथिकल हैकर भी बन जाते हो ना तो भी आप डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो भी मैंने बातें बताई वो सारी माइंडसेट के ऊपर थी कि जो भी आपका एक थोड़ा सा एक माइंडसेट क्रिएट हो सके, डायरेक्ट सीधी सी बात है कुछ नहीं होता है, तो इसलिए माइंडसेट एक क्रिएट करना जरूरी है कि हाँ मेहनत लगती है। तो हैकिंग को मैंने जस्ट 2 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट जो है वो ऑफेंसिव है, दूसरा जो है वो डिफेंसिव है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो होती है उसके अंदर कई सारे अटैक्स होते हैं और ये बेसिकली हार्मफुल होती है, जो भी सिस्टम्स होते हैं जिनको भी ये टारगेट करते हैं उसके अंदर बस उनको बस एक ही मतलब रहता है कि सामने वाले की रिप्यूटेशन या तो ख़राब करो या पैसे चुराओ या किसी भी तरह का डेटा चुराओ या डेटा लीक कर दो या बस इस तरह की चीज़ें, मतलब ज़्यादातर इलीगल चीज़ें जो भी होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती है, तो बिना परमिशन के आप किसी के भी पर्सनल सिस्टम या जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड्स होते हैं जिनके सिस्टम होते हैं, कंपनीज़ के सिस्टम्स होते हैं, आप उनमें जाके उनका पर्सनल डेटा या जो भी एकदम क्या बोल सकते हैं कॉन्फिडेंशियल, मतलब एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो टॉप सीक्रेट्स होती है। तो एग्जांपल के लिए हम 2 मोबाइल कंपनियां ले लेते हैं, वो दोनों बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, अपने अपने मोबाइल लॉन्च करते रहते हैं, नए नए फ्लैगशिप्स निकालते रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें कॉम्पिटिटर का पता ही नहीं रहेगा कि वो क्या कैसे काम करते हैं, किस तरह की नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो फिर ये उनके टक्कर का कोई कुछ निकाल नहीं सकते, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करवाते हैं कि वो कुछ ऐसे ऑफेंसिव हैकर्स को हायर करते हैं, या मतलब जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरह के ऑफेंसिव हैकर हायर करती हैं, वो उनके सिस्टम्स में घुसते हैं, उनकी पर्सनल जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उन्हें लीक करते हैं, वो इन्हें कंपनी को देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली, जिनको कोई मतलब नहीं होता, वो डायरेक्टली किसी भी कंपनी को टारगेट करते हैं और डेटा पब्लिक कर देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी या ऑफेंसिव हैकिंग में आती है, और जो दूसरी होती है वो होती है डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब होता है कि डिफेंड करना, डिफेंसिव सिक्योरिटीज़ में बेसिकली बचाव होता है कि कुछ भी इस तरह के अटैक्स ना हो सके, सिक्योर रहे हमारे सारे सिस्टम्स, और किसी भी तरह के कोई भी अटैक होता है तो हमें पता चल जाए। तो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिफेंस करना, सिर्फ बचाव करना, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर अटैक हो चुका है तो कितनी जल्दी हमने रिस्पॉन्स लिया, कितना डेटा और जो भी कहाँ से अटैक हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी डिटेल पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर
अंदर आती है, मतलब प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स टाइम वगैरह और ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो इन दो कैटेगरीज में ही मैंने लाइक आपको समझाने की कोशिश की है कि हैकिंग किस टाइप से होती है। अब मैं आपको हैकर्स के टाइप बताता हूँ जो कि बेसिकली इन दो कैटेगरीज में ही फॉल करते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट दो चार टाइप के हैकर ही बताऊँगा ताकि टाइम बचत हो हमारी और आपको जस्ट एक माइंडसेट बन जाए कि किस तरह के हैकर्स होते हैं और किस तरह की चीज़ें होती है, काम कैसे करते हैं, सारी चीज़ें ये सब आपने सुन रखा होगा अगर आपको ज़रा सा भी हैकिंग में इंटरेस्ट है या ये सारी जो भी चीज़ें हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन जस्ट मैं आपका माइंडसेट क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ। पहला जो टाइप होता है वो ब्लैक हैट हैकर होता है और ये मेरे ख्याल से सबसे कूलेस्ट और क्लासिक हैकर्स होते हैं जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती है और ख़तरनाक तरीके से ये काम करते हैं। और इनका ज़्यादातर मोटिव जो होता है वो बस ये ज़्यादातर इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, पैसा, फेम और इस तरह की चीज़ें। ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं और तोड़ फोड़ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं मेरे ख्याल से। व्हाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं कि वो पूरी परमिशन के साथ में काम करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो जिस भी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, पूरा लॉ के अंडर सब कुछ काम होता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करूं कि कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जो कि वेब एप्लीकेशंस बनाती है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है, बनाती भी है और ऐप्स भी आजकल एंड्रॉयड ऐप्स हैं, आईओएस ऐप्स हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है जिनमें पेमेंट्स वगैरह या जो कस्टमर्स होते हैं उनकी डिटेल्स वगैरह उसके अंदर स्टोर होती है। जो कंपनीज होती है वो ऐसे लोगों को हायर करती है जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। तो व्हाइट हैट हैकर्स को वो हायर करती है और उनसे ये कहती है कि भैया अगर इसके अंदर कुछ भी आपको खामियां दिखती है और इसके अंदर चेक करो कि इसके अंदर हमने कोई खामी तो नहीं छोड़ दी, अगर छोड़ दी है तो आप हमें बताओ ताकि हम उसे ठीक कर सके। तो व्हाइट हैट हैकर्स बकायदा सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, सब कुछ परमिशन लेता है और जो भी वो काम करता है, जो भी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सिस्टम के ऊपर जो भी वो पेन टेस्टिंग या क्रैकिंग या हैकिंग वगैरह जो भी चीज़ें वो करता है, बकायदा उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ वो चीज़ें लिखी जाती है, बकायदा उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है कि इन्होंने कैसे कैसे काम किया है और क्या क्या काम किया और उसका रिजल्ट क्या आया। देन उन रिजल्ट्स का एनालिसिस करके ये पता किया जाता है कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हुई है, कैसे गलती करी है और उसका उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो वो बेसिकली इस तरह की चीज़ें करते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो होती है ग्रे हैट हैकर्स की। और ग्रे हैट हैकर्स क्या करते हैं, बेसिकली उनका यही काम होता है कि वो बिना परमिशन के सारी चीज़ें करते हैं। अब इनका इलीगल और लीगल दोनों मिक्सचर होता है इसलिए वो थोड़ा सा ग्रे हैट कहते हैं। और इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये बिना परमिशन के काम करते हैं, किसी से परमिशन नहीं लेते, लेकिन जो भी इनका रिजल्ट आता है, जो भी ये एनालिसिस करते हैं, जो भी पेन टेस्टिंग या हैकिंग जो भी ये किसी भी सिस्टम में करते हैं, तो ये उस पर्टिकुलर कंपनी को भी बताते हैं कि देखो आपके सिस्टम में ये ऐसी प्रॉब्लम्स है। कुछ समय पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, न्यूज़पेपर में भी आया था कि उन्होंने एक फूड चेन की जो कंपनी थी जो कि फूड डिलीवरी करती है, उस कंपनी के एप्लीकेशन में जाके डेटा टेम्पर करके 1 रुपए में पिज्ज़ा ऑर्डर किया था। और एक बहुत ही प्रचलित एयरलाइन कंपनी थी जिसकी वेबसाइट पर जाकर उन्होंने अमेरिका तक की एक फ्लाइट बुक करी थी 1 रुपए के अंदर डेटा टेम्पर करके। एंड ये कूल लगता है लेकिन बेसिकली ये हुआ था कि उन्होंने पहले ये जब बग फाउंड किया था या जो भी उन्होंने खामियां निकाली थी उनकी वेबसाइट और एप्लीकेशन में, तो उन्होंने उन पर्टिकुलर कंपनीज को कहा भी था मेल करके, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अनसुना कर दिया। तो उन्होंने फिर इस तरह की चीज़ें करी ताकि उन्हें मैसेज जा सके कि यार देखो आपके जो सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसका मैंने फ़ायदा उठाया, इसी तरह से कोई दूसरा भी उठा सकता है, तो आप प्लीज़ इन्हें ठीक कर दो और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या रिप्लाई कर सकते हो या मेल कर सकते हो, जो भी मतलब जो भी था। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। तो वो एक एथिकल हैकर था लेकिन जब उन्हें पता चला कि यार इसके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, तो उन्होंने बाकायदा उस पर अपना काम किया और फिर कंपनी को बताया कि देखो आपके इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और आप इसे ठीक करो ताकि कोई दूसरा इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए। फोर्थ टाइप का जो हैकर होता है वो एक्चुअल में हैकर होता ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं होता है, लाइक उसे कंप्यूटर का भी नॉलेज नहीं होता है ना कुछ भी नहीं, वो बस जो हैकर्स होते हैं या जो एप्लीकेशंस होती है उन्हें डाउनलोड करता है और जस्ट थोड़ी सी दो चार चीज़ें ऐसी कर लेता है जिससे वो अपने दोस्तों के सामने बड़ा लाइक इम्प्रेशन जमाता है कि हाँ बेटा तेरा भाई अब हैकर है। तो फोर्थ कैटेगरी में आते हैं हमारे स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज क्या करते हैं, बेसिकली इनका काम ये होता है कि दूसरे की मेहनत को लेकर अपना काम करना और क्रेडिट तो देना ही नहीं
ऊपर से अपने आप को हैकर बनाना, जैसे कि दूसरे की किसी दूसरे हैकर की स्क्रिप्ट या उसके टूल्स डाउनलोड कर लेना। मैं जिस तरह के स्क्रिप्ट किडीज से मिलता हूँ या मिला हूँ, वो ऐसे होते हैं कि वो पर्टिकुलर कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जिनकी वीडियोस इस टाइप की होती है कि टॉप 5 हैकिंग एप्स या इन हैकिंग एप्स को यूज मत करना अदरवाइज जेल चले आओगे, या टॉप 5 इलीगल एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की वो वीडियोस पे जाते हैं, वहां से एप्लीकेशन बकायदा डाउनलोड करते हैं, अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि देख भाई तेरा अब हैकर बन चुका है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो स्क्रिप्ट किडीज कहलाते हैं। जो हैकर होता है ना, मेरे ख्याल से वो बहुत ही क्रिएटिव इंसान होता है, क्रिएटिविटी की भरमार होती है उसके अंदर, वर्सेटाइल इंसान होता है, वो काफ़ी क्रिएटिव होता है। मैं जितने भी हैकर्स जो एकदम महान महान हैकर्स हुए हैं जो भी हमारे संसार में, वो उन्हें आप देखो कोई ना कोई अलग अलग कहीं ना कहीं हॉबीज होती ही है उनकी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें वो करते रहते हैं। हैकर्स जो होते हैं ना वो वर्सेटाइल होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो करते हैं, वो क्रिएटिविटी ज़रूरी है अगर आप हैकिंग कर रहे हो। और जो हैकिंग होती है ना, वो माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर करो कि वो सिर्फ टेक्निकल नहीं होती है, ठीक है, वो ऐसे फेस टू फेस बात करना, क्रिएटिव सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, या तो आप इसे खुद अपने हिसाब से सर्च करो कि ये होती क्या है, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थोड़ा सा समझो चीज़ों को कि हैकिंग क्या होती है, किस तरह के हैकर्स होते हैं, किस तरह की चीज़ें होती है, और कई सारे लोग हैं जो डायरेक्ट करने की कोशिश में ना अपना करियर उजाड़ लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग समझते नहीं है, जैसे कि उन्हें बेसिक इंटरनेट चलाना नहीं आता, वो अगर किसी वेबसाइट पर जाते हैं और जस्ट उनके सामने कोई एड आ जाता है, जो पॉपअप एड्स आते हैं, अगर वही आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि यार इसके अंदर मुझे करना क्या है। कई सारे ऐसे यूसी ब्राउजर के एड अगर आपने देखे होंगे, लेकिन कई सारे वेब बैटरी और एंटीवायरस वाले भी एड आते हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं कि आपके फ़ोन के अंदर वायरस आ गया, फ़ोन भी वाइब्रेट होने लग जाता है। तो ऐसे में लोग घबरा जाते हैं और वो मुझसे आगे ये पूछते हैं कि भैया हैकिंग कैसे करनी है और हैकर कैसे बनते हैं। तो भाई मेरा बस आपसे इतना ही है कि थोड़ा सा समय देना पड़ता है आपको, अभी कुछ भी नहीं पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, और आप जस्ट ये सोच रहे हो कि हैकिंग बहुत कूल है, दोस्तों के सामने बहुत मजे आएंगे, दोस्तों की फेसबुक आईडी हैक करेंगे, मस्त उसका पबजी खेलेंगे। तो भाई साहब अगर आपका ये मोटिव है ना, तो आप हैकर नहीं बन सकते हो, मैं अभी बता दूं आपको, अभी छोड़ के चले आओ, अनसब्सक्राइब कर दो। और नॉलेज भी गेन करना है तो आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज करना पड़ेगा, नेटवर्क्स का अच्छा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप हैकर कैसे बन सकते हो। आज की वीडियो में जस्ट बेसिक बताना था मुझे, क्योंकि माइंडसेट क्लियर नहीं है लोगों का, ठीक है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी पहले। तो ये हो गया आज का। अब जो कुछ अपडेट्स हैं जो कि मुझे देनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मैं दे नहीं पा रहा था। सबसे पहली चीज़, सब्सक्राइब कर लो, अगर नए होना तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ, और जो कम्युनिटी टैब होता है चैनल का उसके अंदर अपडेट रहना, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है मैं यहाँ पर आपको पोस्ट करूँगा। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर लो @versatile कभी, वहाँ पर भी मैं अपने चैनल के रिगार्डिंग अपडेट्स देता हूँ। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, खुद से भी काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों को बोलो कि मैं पबजी नहीं खेल सकता हूँ, आप जाओ पढ़ाई करो थोड़ी सी। और पढ़ाई करने के लिए मैंने एक और चीज़, मैं काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहा था, अभी जो भी ऑफ सीजन था तब से मैं इसके ऊपर लगा हुआ था, मेरा एक दोस्त भी है वो भी इसमें लगे हुए हैं। versatilekabir.in मेरी वेबसाइट है, छोटा सा ब्लॉग है जिसके ऊपर मैं सारी चीज़ें, ये जो यहाँ का यहाँ पर जो भी वीडियोस हैं वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर भी अपलोड करता हूँ टेक्स्ट के फॉर्म में। यहाँ पर तो मैं आपको सारी डिटेल में हैकिंग नहीं सिखा सकता, इसलिए मैं उस वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स में कोर्सेज या जिस भी टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर या आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर आप वहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में और डिटेल में सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत जल्दी बहुत सारा कंटेंट मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। अब जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो चुकी है, मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी है, और अब मैं हर वीक 2 से 3 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। प्लीज़ इतना सपोर्ट किया, इतना वेट किया, थोड़ा सा और कर लो। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, 1 घंटे की ऑलमोस्ट वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो इसे एडिट करने में मुझे काफ़ी काटापेटी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीक में जो भी वीडियो आएगी मैं उसके अंदर डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक हैकर बन सकते हो जेन्युइन तरीके से, आप अपने हैकिंग को करियर कैसे बना सकते हो, लीगल चीज़ें करते हुए आप मस्त आराम से कैसे पैसे कमा सकते हो, ये आने वाले टाइम में मैं ज़रूर बताऊंगा। जिन लोगों ने भी जार्विस की वीडियो के लिए वोट किया था वो इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट बाद अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मैं नहीं था चैनल पे तो भी इस चैनल को चलाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं। बाय।